डैम है ए बी सी और ये है डी। तो अब ये अगर इसको जाए तो त्रिभुज बी सी ए किसके हिसाब से सर्वांग समय बराबर है, ठीक है, बराबर का मतलब हो गया सर्वांग सम का निशान। तो देखो यहाँ कहाँ से शुरू हो रहा है, बी सी ए, यहाँ बी से ए, दो क्या वाला ए साइड पर, तो यहाँ पे भी यहाँ से आपका शुरू करेंगे बी टी ए, क्या लिखेंगे नाम त्रिभुज बी टी ए, क्रम ही देखने वाला है। अगला है सेकंड क्वेश्चन में आपको दे रखा है, अगला ये आपको दे रखा पी टी क्यू आर एस, ये कोण और कोण एस बराबर है, कोण पी कोण आर के बराबर है, और ये दोनों भुजा, ये दोनों भुजा के बराबर है, ये दोनों भुजा सर्वांग समय है, और ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो आप देखो अभी बोल रहा है त्रिभुज क्यू आर एस, त्रिभुज क्यू आर एस सर्वांग समय है किस त्रिभुज के बराबर है, तो देखो क्यू आर एस तो अपना ये कहाँ से चलेगा, क्यू आर एस यानी ये भुजा इसके बराबर है और इसके बाद में से लिया है ये वाला और फिर लिया है ये वाला, तो अपना चलेगा टी पी क्यू, कौन सा चलेगा त्रिभुज टी पी क्यू, डन। बस नाम देखो कि कैसे इस चित्र का क्रम दिया हुआ है। अगला है क्वेश्चन नंबर सात, क्वेश्चन नंबर सात में एक वर्गाकार छेद कर बराबर क्षेत्र वाले दो त्रिभुजों के प्रकार कराइए कि त्रिभुज सर्वांग सम हो, ये आपके करने के लिए है, क्वेश्चन घर पर करने का एक्टिविटी, तो आप घर से करके देखिएगा मोड़ के कागज को। क्वेश्चन नंबर आठ देखो, आकृति में एक सर्वांग सम धातु का एक अतिरिक्त त्रिभुज बताइए जिसमें त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांग सम हो जाए, आपने किस प्रतिबंध का प्रयोग किया। देखो ये चित्र दिया हुआ है, ये है ए बी सी, ये वाला ये को और एक त्रिभुज दे रखा है ये वाला पी क्यू और आर, ये दोनों, ठीक है। तो अब इसे बोल रहा है कि त्रिभुज सर्वांग सम हो जाए ऐसे जोड़े बताओ, तो सबसे पहले आप देखो कि आर एच एस कोण बी बराबर है कोण क्यू के, पहली चीज है, कोण सी बराबर है कोण आर के। अब आपको पता है कि जब दो कोण बराबर होंगे, ये दो कोण समान होंगे, अलग सॉरी समान नहीं है अलग अलग है, लेकिन इनके बीच की दूरी क्या होगी, संगत कोण समान होगा, जब ये दो कोण समान है तो तीसरा कोण भी अपने आप ही समान होगा। तो आर एच एस का नियम कहलाता है कि अगर किसी ने एक कोण और एक 90 डिग्री का कोण है तो आर एच एस से यानी आर एच एस ये प्रतिबंध से, कौन सा प्रतिबंध लग रहा है इसमें, 90 डिग्री का कोण है ना दोनों में, तो यानी इसमें लगता है प्रतिबंध, इसमें 90 डिग्री का एक कोण मिल जाए तो उससे प्रतिबंध हो जाता है आर एच एस, इससे त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज किसके, अगर मैं इसको हटा देती हूँ ये तो रेड करती हूँ, ये हटा देती हूँ इसे, तो जिस आपका दिया हुआ है उसके हिसाब से ए बी सी तो पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांग सम होगा। एक है क्वेश्चन नंबर नौ, चर्चा कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज एफ ई डी सर्वांग सम क्यों है, ये ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है ये वाला डी ई एफ, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये है 90 डिग्री का कोण, इधर से ये 90 डिग्री का कोण है और कोण ए बराबर है कोण एफ के, चार को पता है आर एच एस, ठीक है, यानी राइट एंगल राइट साइड है, यानी कोण बी किसके बराबर है कोण ई के यानी 90 डिग्री,
और BC बराबर है क्या है, BC बराबर क्या है इसमें 90 डिग्री से अगर हम ये चलते हैं तो ED क्या है, ED भुजा। और कोण A बराबर है कोण F, कोण A बराबर कोण F, तो हम कैसे नाम लेंगे त्रिभुज का, B या तो ले ले त्रिभुज ABC, ये तीन चीजें लेके हम ले सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांश